देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल वॉइस टीवी। फिरोजाबाद आज पुलिस भर्ती में चयनित सभी 280 परीक्षार्थियों को ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें इंडोर और आउटडोर सभी गेम कराए गए। इस दौरान इंडोर और आउटडोर के सभी टीचरों का भी अच्छा प्रयास रहा, जिनकी वजह से सकारात्मक परिणाम सामने आया। SSP सचिंद्र पटेल ने बताया कि पुलिस लाइन में एक को छोड़ बाकी सभी का प्रयास प्रदर्शन सामने आया है। यह एक बहुत ही यादगार दिन होता है, जिसके बाद कर्तव्य की आगे की सीढ़ी पर कदम बढ़ता है। यहां सभी को इंडोर और आउटडोर की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सभी ने अच्छा प्रयास किया है। एक अच्छी परेड का आयोजन भी किया गया। इसको लेकर SP ग्रामीण, CO सदर व सभी संबंधित अधिकारी विगत 6 महीने से प्रयास कर रहे थे, वह भी बहुत अच्छी रही। इसके बाद सबको ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। टूटों का यहाँ पर ट्रेनिंग कराया गया था, जिसमें से एक को छोड़ के बाकी सभी परीक्षार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। इंडोर आउटडोर इन सभी विषयों में इनको ट्रेनिंग प्रदान की गई है। आज दीक्षांत परेड के समारोह के बाद ये सभी लोग अपने अपने जनपदों में जाएंगे, जहाँ पे ये अब से पुलिस की सेवा में प्रॉपर रूप से आ जाएंगे। और इनको इस बात की शपथ भी दिलाई गई है, जो पुलिस में हम लोग आने के समय लेते हैं, कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करेंगे। एक अच्छी परेड का यहाँ पे प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग विगत 6 महीनों से लगे थे, हमारे SPRA साहब, CO लाइन साहब, RTC प्रभारी, RI साहब और जितने भी हमारे इंडोर और आउटडोर के यहाँ पे टीचर्स थे, सभी लोगों ने बहुत मेहनत से इन 280 बच्चों की ट्रेनिंग कराई। और हमें उम्मीद है कि ये इनके जीवन का एक, चूँकि ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको अविस्मरणीय पार्ट कहते हैं पुलिस जीवन का, ये रहेगा। और सभी लोग अपने अपने जनपदों में एक अच्छी छवि प्रस्तुत करेंगे पुलिस की, और लोगों के बीच में एक उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छी इमेज को प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, एक बात है सर, ये